शमशाद फूल है। और मैं कटिहार नगर निगम और मेयर साहिबा को भी धन्यवाद दूंगा कि एक रोड आज उनके नाम से बनाया गया। तो अब राजरतन कमल जी को हम लोग हर समय जो है अपने कटिहार वासियों के बीच पाएंगे। कटिहार का यह सड़क अब जाना जाएगा पत्रकार राजरतन कमल के नाम से। सांसद और महापौर ने किया नामकरण, जाने क्या है वजह। दरअसल आज कटिहार के नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 में सांसद दुलाल चंद गोस्वामी और महापौर उषा देवी अग्रवाल ने न्यू मार्केट रोड स्थित सहारा इंडिया के बगल वाली सड़क को पत्रकार राजरतन कमल के नाम का नामकरण कर दिया। इस दौरान नगर निगम की महापौर उषा देवी अग्रवाल ने केटीएन न्यूज को बताया कि राजरतन कमल जी पत्रकार के रूप में हमेशा सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े रहे हैं और मिलनसार व्यक्ति थे। आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि के मौके पर इस सड़क का नामकरण किया गया। आज स्वर्गीय रतन कमल जी की तीसरी पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। वो एक बहुत अच्छे स्वभाव के आदमी थे और पत्रकारिता जगत में उनका बहुत अच्छा नाम था। वो हर समय अपने पत्रकारिता में खेल जगत के बारे में हरदम लिखते रहते थे और नगर निगम के द्वारा आज उनके नाम पर एक सड़क का नाम जिस जगह वो रहते थे राजरतन कमल नाम किया गया है। इस नाम के द्वारा वो हरदम कटिहार के शहर के लोगों के बीच में रहेंगे। देखिए सम्मान्य राजरतन कमल जी कटिहार में मीडिया क्षेत्र को आगे बढ़ाने में, खास करके जब ये दैनिक भास्कर में थे ब्यूरो चीफ के रूप में, तो इस अखबार को बहुत आगे बढ़ाए और सोशली भी बहुत बड़े समाज सेवी थे और एक जागरूक इंसान थे। अब वो हम लोग के बीच नहीं है। आज उसकी तीसरे पुण्यतिथि पूरे कटिहार में सब लोग मिलकर के मना रहे हैं और समाज में ऐसे लोग जो समाज के लिए बहुत कुछ किए हैं, ऐसे लोगों को बार बार स्मरण किया जाता है। आज हम लोग उनको स्मरण कर रहे हैं और उन्होंने मीडिया जगत में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो काम किया है उसको हम लोग याद कर रहे हैं। और मैं कटिहार नगर निगम और मेयर साहिबा को भी धन्यवाद दूंगा कि एक रोड आज उनके नाम से बनाया गया। तो अब राजरतन कमल जी को हम लोग हर समय जो है अपने कटिहार वासियों के बीच पाएंगे।